देखिए, कल हम लोगों ने रूट स्टेम लीफ के बारे में पढ़ा था और हैबिट के बारे में पढ़ा था। क्या हमें कोई बता पाएगा कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? हेलो, हेलो, कौन बताएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, इनमें नाइट्रोजन की अपनी जो है वो कमी हो हाँ, एन बोलो। टू एन टू हाँ बोलो। सर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स के लिए खाते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की जो इनकी डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफिल करने। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक। क्या आप बता सकते हैं कि जिंजर और टर्मेरिक ये क्या है? रूट है, स्टेम है या लीफ है? सर ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है ये? राइजोम। राइजोम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या आप बता सकते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में क्या अंतर होता है? सर सिंगल का डाइकॉट डबल कॉटिलीडन्स होते हैं, उसमें मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है। अरे यार, तुमने कॉटिलीडन अभी कहाँ देख लिए? अभी तो कल हमने लीफ के बारे में बताया था, डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ में अंतर बताया था तुम्हें हमने। हाँ, ओह अच्छा, सॉरी सर। तो डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ में क्या अंतर होता है? सर एक में झिल्लीदार होता है और एक कौन बताएगा डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ में अंतर? कौन बताएगा? देखो, डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। बीएससी फाइनल। मोनोकॉट की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। ये बात हमने कल बताई थी आपको। डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है। अब देखिए, कायदे से तो हम लोगों को आज इनफ्लोरिसेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, फ्लावर के बारे में पढ़ना चाहिए। जब हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़ लिया है तो हम लोगों को फ्लावर के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्लावर के बारे में आपको हम कल पढ़ाएंगे। फिलहाल एक सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हम आपको, टैक्सोनोमी में कैसे सेक्स ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, स्लाइड सबको शेयर हो रही है, अब आप देखिए आगे। देखिए, एंड्रूशियम, आपने पढ़ा होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट्स का, जो एंजियोस्पर्म का मेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रूशियम कहते हैं। और एंड्रूशियम जो होता है वो एंथर्स का ग्रुप होता है। यानी कि अगर हम ये एंड्रूशियम ग्रुप ऑफ स्टेमेन समझो आप, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंड्रूशियम कहते हैं। और एंड्रूशियम में ये जो ग्रुप ऑफ एंथर्स है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेमेंस है। यानी बहुत सारे स्टेमेंस जब जुड़ जाते हैं तब उसको हम कहते हैं एंड्रूशियम। ठीक है, तो एंड्रूशियम जो होते हैं वो दरअसल स्टेमेंस का ग्रुप होते हैं। और जो स्टेमेंस के ग्रुप होते हैं वो या तो पॉलीएंड्रस होंगे, यानी कि जितने भी स्टेमेंस हैं वो सारे फ्री होंगे, एक साथ अटैच नहीं होंगे, सारे स्टेमेंस फ्री होंगे। अगर सारे स्टेमेंस फ्री होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कहते हैं।
जो कि पेपावर में पाई जाती है। क्लियर। अब इसके बाद अगर सारे स्टेमेंस एक साथ एक बंडल में हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोडेल्फस। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने जो है वो बीड़ी का बंडल देखा होगा, देखा है ना? बीड़ी के बंडल में बहुत सारी बीड़ियां होती हैं। अगर वो सारी बीड़ियां एक साथ हैं एक बंडल में, 20 बीड़ियां हैं, 20 एक बंडल में रखी हुई हैं, और एक बीड़ी को अगर हम मान लें एक स्टेमेन, तो सारे स्टेमेंस का एक ग्रुप हो गया और वो एक ग्रुप कहलाता है मोनोडेल्फस। और ये कंडीशन पाई जाती है चाइना रोज या मालवेसी में। क्लियर। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ याद रखना है मोनोडेल्फस कंडीशन चाइना रोज में पाई जाती है, जिसमें सारे स्टेमेंस एक ही ग्रुप में होते हैं। अगर चाइना रोज, जिसे कि हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल भी कहते हैं, जो मालवेसी का मेंबर है, हमने इसका नाम कल भी लिया था। सेजल आप मौजूद हैं? एकता, एकता राजानी, यस सर, हमने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या मालवेसी या चाइना रोज या गुड़हल का नाम कल क्यों लिया था? कोई बता सकता है कल क्या चीज बताई थी हमने चाइना रोज में? आपने कागज और पेन नहीं रखा था इसलिए आपको याद नहीं है। हाँ, कौन बताएगा? क्या चीज? कोई एक जना बोलो सर। इफ यू फाइट का एग्जांपल आपने दिया था चाइना रोज। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। और कोई बताए सर? हाँ, फ्री लेटरल का एग्जांपल चाइना। फ्री लेटरल क्या? स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स, बिल्कुल सही। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित वर्मा, बिल्कुल सही बताया तुमने। फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं चाइना रोज में। अब चाइना रोज का दूसरा करेक्टर याद रखो, मोनोडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमेंस, याद रहेगी। अब ये बात मोनोडेल्फस आप कागज पे लिख लें, उसके आगे लिख लें चाइना रोज, तो आपको समझ में आएगा कि आज हमने चैप्टर से क्या सीखा। आगे आओ, अगली कंडीशन आ गई डायाडेल्फस। अगर मोनोडेल्फस में सारे स्टेमेंस एक ग्रुप में होते हैं तो डायाडेल्फस में स्टेमेंस के दो ग्रुप होते हैं। मान लीजिए बीड़ी के बंडल में 10 बीड़ी हैं, तो 9 बीड़ियां एक धागे से बांध दी आपने और एक बीड़ी अलग रखे रहने दी, तो बीड़ियों के दो ग्रुप हो गए, 9 एक साथ एक अलग। ऐसे ही डायाडेल्फस कंडीशन में 9 स्टेमेंस एक साथ होते हैं और एक स्टेमेन अलग होता है। अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 9 या जो एक स्टेमेन अलग है और बाकी एक साथ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है डायडेल्फस कंडीशन? बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोडेल्फस और डायडेल्फस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद पॉलीएडेल्फस कंडीशन, ये सिट्रस में पाई जाती है। इसमें कोई, जैसे मोनोडेल्फस में एक ग्रुप होता है, डायडेल्फस में दो ग्रुप होते हैं, पॉलीएडेल्फस में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो ये स्टेमेंस का कोहिजन है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रूशियम की यूनिट स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर एंथर्स और स्टेमेंस का ग्रुप मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। आगे देखिए, अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है, देखो इसके नाम के पहले स्टार भी लगा होगा।
पहली कंडीशन है सिंजेनेसियस। देखो एक स्टेमेन जो होता है उसमें दो चीजें कम से कम होती हैं, हालांकि तीन चीजें होती हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट और बीच में होता है कनेक्टिव। अगर आप कहीं भी एंथर या स्टेमेन का डायग्राम देखेंगे तो आपको एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर एंथर फ्यूज्ड है लेकिन फिलामेंट फ्री है, अगर आप ये देखो डायग्राम को गौर से, तो हर स्टेमेन का ऊपर का जो एंथर है वो तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे का जो फिलामेंट है वो जुड़ा हुआ आपस में नहीं है। अगर एंथर फ्यूज्ड होता है और फिलामेंट्स फ्री होते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सिंजेनेसियस कंडीशन। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एंथर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स फ्री, इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेनेसियस कंडीशन। ये बहुत एडवांस कंडीशन है और कंपोजिटी या एस्टरेसी फैमिली में पाई जाती है। सिंजेनेसियस कंडीशन, एंथर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स फ्री। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबके? यस सर। सिमरन खत्री समझे? yes, क्या बताया मैंने बताओ जरा। बताओ एकता सिंह, मैंने क्या बताया? जब एंथर फ्यूज्ड होते हैं एंड फिलामेंट फ्री होता है तब वो कंडीशन सिंजेनेसियस कहलाती है। और ये किस फैमिली में पाई जाती है? कंपोजिटी या कंपोजिटी, जिसका दूसरा नाम है एस्टरेसी। यस सर। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? एस्टरेसी। एस्टरेसी। और याद रखना ये डाइकॉट की सबसे एडवांस्ड फैमिली है, हाईली एडवांस्ड फैमिली ऑफ डाइकॉट। बल्कि आप एडवांस फैमिली के नाम पे इसी का नाम याद रखें। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए अगली कंडीशन है सिनएंड्रस। अभी हमने बताया था जब एंथर फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं सिंजेनेसियस। और जब एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो जाते हैं तब इस कंडीशन को कहते हैं सिनएंड्रस। और ये पाई जाती है कुकरबिटेसी, जिसका एक प्लांट है कुकरबिटा मैक्सिमा, जिसको हम लोग सब कद्दू सीताफल के नाम से जानते हैं। तो अगर एंथर फ्यूज्ड है और फिलामेंट फ्री है तो इसको कहते हैं सिंजेनेसियस कंडीशन। ये पाई जाती है कंपोजिटी या एस्टरेसी में। लेकिन अगर एंथर भी फ्यूज्ड हैं आपस में, फिलामेंट भी फ्यूज्ड हैं आपस में, तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनएंड्रस। और ये पाई जाती है कुकरबिटेसी में। समझ में आई बात? मानस खत्री जी सर, बताओ जरा मुझे दोनों कंडीशन के बारे में फटाफट। सर सिंजेनेसिस इज ए कंडीशन वेयर एंथर फ्यूजेस एंड फिलामेंट आर फ्री एंड इट बिलोंग्स टू कंपोजी फैमिली एंड एस्टर सीसी व्हिच इज ए एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट एस्टरेसी एंड वेयर सिनएंड्रस इज ए कंडीशन वेयर एंथर्स एंड फिलामेंट बोथ आर फ्यूज्ड एंड इट बिलोंग्स टू कुकरबिटेसी फैमिली एंड एग्जांपल इज कुकरबिटा। बिल्कुल सही बताया तुमने, शाबाश। सुमित वर्मा तुम बताओ। सर सिंजेनेसियस कंडीशन एंथर फ्यूज्ड एंड फिलामेंट सिंजेनेसियस कंडीशन फैमिली
सिनेंड्रस सर, सर फ्यूज एंड फिलामेंट, सिनेंड्रस कंडीशन एग्जांपल कुकुरबिटा में। कोई और बताएगा? एकता जी सर। हाँ, और कौन बता रहा है? अंशिका बताऊँ? हाँ अंशिका बताओ। सर जो फिलामेंट मेटल दोनों फ्यूज होते हैं तो उसे कहते हैं, और चलो एक एकता तुम बता दो फिर आगे। यस सर, जब एंथोफ्यूज्ड एंड फिलामेंट फिलामेंट फ्री होते हैं तब वो कंडीशन कहलाती है सिंजेनेसियस। ये कंपोजिटी है या एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जब फिलामेंट एंड एंथर दोनों फ्यूज्ड होते हैं तब वो कंडीशन कहलाती है सिनेंड्रस। एंड्रस बिलोंग्स टू क्यूकरबिटेसी फैमिली, एग्जांपल इज क्यूकरबिटा। It is found in, this character is found in Cucurbitaceae. Cucurbitaceae family, yes sir. अब ये समझ लो कि ये दोनों इतने important हैं कि कई बार ये होता है कि taxonomy के chapter में practical में examiner जो आते हैं वो ये कहते हैं कि आप मुझे बस syngeneous condition बता दो तो हम आपको highest number दे देंगे। ये मेरे सामने कई बार हुआ है। तो आप समझ लो कि सिंजेनेसियस कंडीशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों करेक्टर हम कल भी पूछेंगे आपसे, परसों भी पूछेंगे, रोज पूछेंगे। तो इनको सिंजेनेसियस और सिनेंड्रस कंडीशन को याद रखना, इनको भूलना नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखिए कंडीशन आई इपीपेटलस। जब स्टेमेंस पेटल्स से जुड़े हो, आप देखें नीचे एंड्रूशियम प्लस कोरोला लिखा हुआ है। कोरोला क्या होता है? पेटल्स। जब एंड्रूशियम पेटल से जुड़े होते हैं तब इस कंडीशन को हम इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं, ठीक? ये भी एक करेक्टर है। ए और सी के बीच में जो निशान लगा हुआ है वो सी से ए की तरफ बनाया जाएगा, ना कि ए से सी की तरफ। अब आया ऑफ डिप्लो स्टेमोनस कंडीशन। ऑफ डिप्लो स्टेमोनस, स्टेमोनस जो स्पेलिंग लिखी हुई है कैपिटल लेटर में मोटी मोटी, वो बिल्कुल सही है। अगर आप ऑफ डिप्लो स्टेमोनस कंडीशन को गौर से बना हुआ देखें तो आप इसमें देखेंगे कि टोटल स्टेमेंस आपको बने दिख रहे होंगे इसमें 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 बाहर और 5 अंदर। यानी स्टेमेंस इन टू अल्टरनेटिंग वर्ल्ड्स एंड अपोजिट टू पेटल्स, और बाहर जो पेटल्स बने हैं उसके अपोजिट है। अगर आप देखें 5 स्टेमेन बाहर बना दो और अंदर की तरफ दोनों के अल्टरनेट करते हुए 5 बना दो, तो ऐसी कंडीशन जब 10 स्टेमेन हो, 5-5 की अल्टरनेट रो में हो, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑफ डिप्लो स्टेमोनस कंडीशन, जो रूटेसी एंड कैरियोफिलेसी फैमिलीज में पाई जाती है। तो ये होती है ऑफ डिप्लो स्टेमोनस कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटेसी और कैरियोफिलेसी फैमिली दो ही फैमिलीज में बस आज तक देखी गई है ये, और इन्हीं दो फैमिलीज में ये पाई जाती है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल दो फैमिलीज में पाई जाती है जिसमें कुल 10 स्टेमेंस होते हैं, 5 बाहर और 5 अंदर। ये बात समझ में आ गई? स्टेमेन से जुड़ी हुई अगली कंडीशन देखें आप। एंड्रूशियम या स्टेमेन्स की एक कंडीशन होती है डाई डायनमस।
डाई डायनेमिक्स कंडीशन को अगर आप गौर से देखें, बना हुआ जो डायग्राम है इसको आप देखें, तो आप देखेंगे चार स्टेमेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो स्टेमेन लॉन्ग होंगे और दो स्टेमेन शॉर्ट होंगे। लॉन्ग और शॉर्ट, दो लॉन्ग दो शॉर्ट, टोटल स्टेमेंस कितने हुए? चार स्टेमेंस, इनमें से दो लॉन्ग होंगे और दो शॉर्ट होंगे, और ये करैक्टर पाया जाता है फैमिली लेमिएसी में, जिसका एग्जाम्पल है ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम, ऑसिमम सैंक्टम लिखा हुआ है, ये सैंक्टम होगा, एस ए एन सी टी यू एम। आप खाली ऑसिमम भी याद रख सकते हैं या आप खाली लेमिएसी याद रख सकते हैं, और लेमिएसी और ऑसिमम अगर दोनों आपको भूल जाते हैं तो आप याद रखिएगा तुलसी। ऑसिमम सैंक्टम जो है वो तुलसी का नाम है और ये लेमिएसी फैमिली में पाया जाता है। तो डाई डायनेमिक्स कंडीशन क्या हुई? चार स्टेमेन, दो लॉन्ग दो शॉर्ट, टू प्लस टू, दो लॉन्ग दो शॉर्ट। एग्जाम्पल ऑसिमम, फैमिली लेमिएसी, दिस इज डाई डायनेमिक्स कंडीशन। इसी के साथ में एक कंडीशन आगे और बनी हुई है, टेट्रा डायनेमिक्स। इसमें दो शॉर्ट चार लॉन्ग होंगे, चार लॉन्ग दो शॉर्ट। डाई डायनेमिक्स में दो लॉन्ग दो शॉर्ट, टेट्रा डायनेमिक्स में चार लॉन्ग दो शॉर्ट। एग्जाम्पल ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, क्रूसीफेरी का नया नाम, सरसों की फैमिली, ब्रेसिकेसी, चार लॉन्ग दो शॉर्ट, टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, डाई डायनेमिक्स कंडीशन, चार स्टेमेन, दो लॉन्ग दो शॉर्ट, फैमिली लेमिएसी, ऑसिमम सैंक्टम। टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन, चार लॉन्ग दो शॉर्ट, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी या सरसों। ये बात समझ में आ गई सबके? कौन बताएगा डाई डायनेमिक्स टेट्रा डायनेमिक्स? सर, डाई डायनेमिक्स दो दो लॉन्ग दो शॉर्ट, इसका कारण है ऑसिमम सैंक्टम, और टेट्रा डायनेमिक्स में चार लॉन्ग शॉर्ट होती है, इसका उदाहरण है ब्रेसिका कंपेस्ट। और कोई? सर सुमित कुमार, हाँ बोलो। डायनेमिक्स कंडीशन, टू लॉन्ग प्लस टू शॉर्ट, एग्जांपल लेमिएसी, सैंक्टम। टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन, टू शॉर्ट प्लस टू, एग्जांपल ब्रेसिका क्रूसीफेरी। ठीक, अब देखिए आगे एक कंडीशन आई डाइथीकस। अगर एंथर में दो लोब हैं, टू सेल्ड एंथर है, अगर एंथर में दो लोब हैं तो ये डाइथीकस हुआ। ज़्यादातर एंथर्स डाइथीकस होते हैं, ज़्यादातर स्टेमेन डाइथीकस होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेमेंस में वन सेल्ड एंथर होता है, एक ही सेल का एंथर होता है, इस कंडीशन को मोनोथीकस स्टेमेंस कहते हैं, मोनोथीकस कंडीशन। और ये मालवेसी चाइना रोज में पाई जाती है। तो चाइना रोज तीसरी बार आया आपके सामने, एक बार आपने बताया था फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, दोबारा आपने बनाया था, बताया था क्या बताया था दूसरी कंडीशन? मोनोडल्फस। और तीसरी कंडीशन आई मोनोथीकस, जब एक सेल का एंथर हो तब इसे कहा जाता है मोनोथीकस एंथर, और ये पाई जाती है मालवेसी फैमिली में।
ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई जिसका नाम है वर्सेटाइल। अगर आपने कभी छोटे पर या आपने कभी फिल्मों में एक वो पवन चक्की वाला पंखा देखा होगा जो ऐसे लगा रहता है और पंखा साइड में होता है, पंखा घूमता रहता है, उसी तरीके के ये देखो स्टेमेन है। ये जो स्टेमेन, ये जो एंथर हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर तो स्टेमेन है और आगे जो हुड पे दो एंथर लगे हुए हैं इनको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इनको इन पर हाथ मार देंगे तो ये घूमने लगेंगे। जैसे मेले से बचपन में प्लास्टिक का एक वो पंखे टाइप का मिलता था जो घूमता रहता था, ऐसे ये घूमने लगेंगे एंथर। तो ऐसे एंथर जब होते हैं इनको वर्सेटाइल एंथर कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली है जिसका एग्जाम्पल है पोएसी, ग्रेमनी, अनाजों की फैमिली, गेहूं, जौ, ज्वार, चना, मक्का, बाजरा, इसकी फैमिली है ये पोएसी और इसमें एंथर होते हैं वर्सेटाइल। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मतलब कोई पेपर ऐसा नहीं है बॉटनी का, टैक्सोनॉमी का, जिसमें ये ना पूछा गया हो कि वर्सेटाइल एंथर किसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको वर्सेटाइल एंथर याद रखने हैं। अब बताइए मुझे आप, एक बार आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। देखो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंड्रूशियम, एंड्रूशियम स्टेमेंस का ग्रुप, स्टेमेंस का एक पार्ट एंथर, स्टेमेंस या तो फ्री होंगे, एक बंडल में होंगे तो मोनोडेल्फस, दो बंडल में होंगे तो डायाडेल्फस, कई बंडल में होंगे तो पॉलीएडेल्फस। अगर एंथर फ्यूज फिलामेंट्स फ्री तो सिंजनेसियस, अगर एंथर फिलामेंट दोनों फ्यूज तो सिनेंड्रस, अगर पेटल से जुड़े होंगे तो इपीपेटलस, अगर पांच पांच के अल्टरनेट वर्ल में होंगे तो ऑफ डिप्लो स्टेमोनस कंडीशन, अगर दो लॉन्ग दो शॉर्ट तो डाइडाइनमस, चार लॉन्ग दो शॉर्ट तो टेट्राडाइनमस, दो लोब हैं एंथर के तो डाइथीकस, एक लोब है एंथर का तो मोनोथीकस, और अगर रोटेट कर जाते हैं तो वर्सेटाइल एंथर। इतनी बात समझ में आई सबके या नहीं आई? यस सर।